तो दोस्तों अभी बच्चों को निकालना ना, दोपहर का टाइम है, मादी का पर वीडियो बनानी है इस वजह से ना बच्चों को निकालना। अभी थोड़ा पाँव वगैरह पैर वगैरह चला जाए। अभी हमने बाहर की भी सफाई दोस्तों करी है, यहाँ सारा साफ करा है, दिख रहा होगा आपको साफ सुथरा, यहाँ से भी करेंगे। बस हमने मुर्गी को टीका लगाया था, कांच हो गए थे वहाँ पर ना, इस वजह से परिंदों के पाँव में नहीं चुप जाए इस वजह से ना। तो अभी कबूतर वगैरह भी सारे ऊपर बनकर उड़ने वाले। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक हो गए? कैसे हो गए? फिट पाट हो गए? तो अभी इस मुर्गे को भी धूप में बंद करा और हमारी मुर्गी के ऊपर भी वीडियो बनानी है। चलो तो दोस्तों लकड़े के बारे में आपको, दोस्तों ये तेल है जो बनाया हमने घर के अंदर खुद, आपको चलो तेल दिखाते हैं। सामान दिख रहा होगा आपको क्या क्या डाला हुआ इसमें, भी वो भी बताएगी क्या क्या सामान डाला हुआ है और क्या क्या सामान नहीं डाला हुआ इसके अंदर। ये इंजीर है दोस्तों, ठीक है, इंजीर है, ये टीका है मेरे बहन। तो दोस्तों पहले तो एक पुरानी हवा में मादी होती है, तो दोस्तों एक तो पुरानी हवा में मादी होती है, एक नई हवा में होती है। जो नई हवा में होती है वो गर्दन को नीचे कर लेती है, घुमा लेती है, इस साइड घुमा लेती है, खाती पीती नहीं है, गिरती रहती है, बस अवलक वैसे गिरती रहती है। इसका इलाज भी आपको बताएंगे, पुरानी हवा का इलाज भी बताएंगे। तो दोस्तों पहले बता देता हूँ नई हवा का इलाज। तो दोस्तों नई हवा का इलाज ये वाला जो हमने बनाया देसी, पुरानी हवा का इलाज दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, मकसद कि पुरानी हवा में होती है मादी कर लेती है ब्रीड वगैरह, हमारी मादी भी पुरानी हवा में थी, आपको पता है कि गर्दन घुमाती थी। हमने उससे दो झोल लिखवा ले, पाँच बच्चे लिखवा ले उस मादी से, तो अब उसको लग गई दोस्तों नई हवा, पुरानी से नहीं डायरेक्ट हवा लग चुकी है उसको, पूरी नस वगैरह बेंड हो चुकी थी उसकी। तो फिर हमने जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करा एक हफ्ता, ठीक है दोस्तों, एक हफ्ता तीन दिन हमने उसका ट्रीटमेंट करा दवा के। हमने आपको नहीं बताया, हमने ना वीडियो में बताया, कुछ भी नहीं बताया हमने ना, पहले हमारा का इलाज सही हो जाए उसके बाद हम जाके बताएंगे क्या चीज़ हमने डाली है क्या नहीं खिलाई उसको, ठीक है दोस्तों। ये तेल है घर का बना हुआ तेल, ओरिजिनल सरसों का तेल है, ठीक है, आप कोई से भी तेल ले सकते हो, अच्छा वाला तेल जो गर्म तेल हो ना। और इसके अंदर हमने डाली हुई दोस्तों अजवाइन, गर्म होते अजवाइन जैसे आपको पता ही दिख ही जाएगा अजवाइन आपको। और इसके अंदर हमने डाली लौंग और काली मिर्ची दोस्तों, इसको हमने खूब पकाया, पकाने के बाद इसका जो रस से सारा अजवाइन वगैरह सब इसके अंदर तेल में मिक्स हो गई। फिर इसको हमने बंद करके रख दी थैली के अंदर, इसकी तपिश गरमाइश ना निकले सारी है ना, वो फिर ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आए थे टीके पे, नेरोबियन टीका, इसके दोस्तों टीका मेरे पास नहीं है अभी, टीका मैंने लगा दिया था कल मुर्गों को। सो नेरोबियन टीका भी बड़ा काम का, अगर आप फाइट करवाना चाहते हो, मुर्गे को ताकत देना चाहते हो, गर्म करना चाहते हो, तो ये काम का टीका बहुत है। ये आप दोनों सीने के चेस्ट पर लगा दे, एक इस साइड एक उल्टे एक दूसरी साइड पर, तो इससे क्या होगा मुर्गा हेल्दी भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा, और मुर्गियों की क्रॉसिंग भी ज़्यादा करेगा और फाइट भी करेगा। इस टीके की पावर इतनी है बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं कि गर्मी आप फुल गर्मी के अंदर ही टीका लगा दो मुर्गा तो दोस्तों मर जाएगा, ये गलती हमारे से भी हुई है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बीमार मुर्गे को कभी टीका नहीं लगाओ, लगाओ तो एक पॉइंट लगाओ, इससे ज़्यादा नहीं लगाओ, ठीक है दोस्तों। ये बहुत गर्म टीका होता है, ये मुर्गा मार देगा समझ लो ये टीका, ऐसा ज़्यादा लगाए तो गर्मी में। अगर सर्दी में लगाओ तो आप पूरा टीका भी ला सकते हैं, किस पे किस चेस्ट पे किस चेस्ट पे। तो दोस्तों ये टीका हमने पहले लगाया था पूरा, एक इस चेस्ट पे एक दूसरे चेस्ट पे, तो पूरा टीका लगाया था। उसके बाद हमने इसको जाल में बंद कर दिया था दोस्तों, हमने उसको जाल में हमने बंद कर दिया था टीका लाने के बाद। जब मुर्गी सुकून से बैठी रहेगी ना, ये टीके का असर जब ही होगा। अगर आपने टीका लगा के छोड़ दिया पिंजरे में रोशनी के अंदर, मुर्गी चेह घूम रही है फिर रही है, गर्दन घुमा रही है, मुर्गी कभी सही नहीं होगी ऐसे ना। टीका लगा के हमने पिंजरे में कपड़ा वपड़ा बगा के गर्म कर दिया पूरा ना, तो दोस्तों सुकून से मुर्गी बैठ गई थी। उसके बाद फिर हमने शाम के टाइम हमने इस तेल की मालिश करी, ठीक है, गर्दन पकड़ के हमने उसकी गर्दन की मालिश करी दबा के अच्छी तरीके से, 10-20 मिनट उसकी मालिश करी।
गर्दन सीधी रखी, कटके वगैरह निकाले, गर्दन को घुमाई, रोलिंग वगैरह करी गर्दन की, उसके बाद जाकर हमने बंद कर दिया उसको। फिर हमने दूध की रोटी खिलाई ताकत के लिए, दूध की रोटी खिलाई। ये गर्म टीके भी लग रहे थे, दूध ठंडा होता आपको पता है, दूध भी पिलाया, रोटी खिलाई। ये हमने एक हफ्ता इनको खिलाई मुर्गी को, माशाल्लाह हेल्दी भी थी और कुछ भी नहीं हुआ था उसको, ना उसको मोशन होता ना उसको नज़ला होता ना उसको कुछ भी जुकाम नहीं होता इन चीज़ों से। तो हमें एक हफ्ते में रिजल्ट दोस्तों ये मिला कि मुर्गी हमारी बहुत बेहतर थी, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे हमारी मुर्गी, सीधी चल रही थी, खुजा रही थी, पर मार रही थी, पहले तो पर वर कुछ भी नहीं मारी थी। मेरी वीडियो भी बनाई दोस्तों, अगर होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। वो वीडियो तो मैं बना नहीं सका जब मुर्गी लकवे में थी ज़्यादा, तो अभी भी आपको सुविधा दिखा दूँ। अब पुरानी हवा में दोस्तों, ये पुरानी हवा दोस्तों ठीक नहीं होती है। अगर हमें इसका भी इलाज मिल गया, पता चल गया, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर नहीं मिला तो माजरत दोस्तों, ये हमारा खुद का इलाज है, खुद बनाया हमने, वो बहुत कामयाब करा। ये इंजीर है दोस्तों, बहुत गर्म होती है इंजीर भी है, अगर आप इंजीर थोड़ी थोड़ी खिला दो आपके ऊपर है, ठीक है ना दोस्तों। ये इंजीर बड़ी गर्म होती है, फायदा होती है, ऐसे भी खिला सकते हो, वैसे भी खिला सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है सरसों का तेल लो, आप कोई और जैतून का तेल भी ले सकते हो, खोपरे का तेल भी, मकसद के बहुत तेल होती है जो गर्म तेल हो वो चीज़ें ले सकते हो, या गर्म चीज़ें खिला सकते हो, इससे भी इलाज हो सकता है। अगर ज़रूरी नहीं आप एक चीज़ें खिलाओ यही तो, ठीक है दोस्तों। ये था लकवे का इलाज दोस्तों। चीटियाँ पड़ गई है, अभी चीटियाँ निकाल लें इनको, देखो कितनी सारी चीटियाँ पड़ गई है, धूप में रखते खुद ही चीटियाँ दोस्तों निकल जाएगी अंदर से। इसको तेल को दोस्तों हम रख देते, सब इस मुर्गी का बंद करके दूसरी मुर्गी निकालते, तेल को हम अपना रख देते हैं इस साइड। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं दोस्तों, मेरे मुर्गी दिखा रहे, देखो दोस्तों मुर्गी एक्टिव है, सबके सामने खड़ी है, देखो वो पुरानी हवा में दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं। चलो अभी मुर्गियाँ वगैरह भी दोस्तों बंद करेगा, इनका टाइम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ओके अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, बाय।